नए साल का जश्न पूरी दुनिया में धूमधाम से मनाया गया, ये तो सबने सुन लिया होगा। लेकिन क्या आपको पता है नए साल के पहले दिन यानी 1 जनवरी को किस देश में सबसे ज्यादा बच्चे पैदा हुए? लेकिन आपको ये बात नहीं जानते होंगे, लेकिन जब हम आपको उस देश का नाम बताएंगे तो आप जानकर चौंक जाएंगे। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष ने 1 जनवरी 2019 को पैदा होने वाले बच्चों का एक अनुमान जारी किया है। इस अनुमान के मुताबिक नए साल में पहले दिन पूरी दुनिया में 3,95,072 बच्चे पैदा होंगे। यूनिसेफ के मुताबिक दुनिया भर में पैदा हुए बच्चों में से आधों का जन्म सिर्फ 7 देशों में हुआ है। यूनिसेफ के मुताबिक इस साल यानी 1 जनवरी को दुनिया भर में सबसे ज़्यादा बच्चे पैदा करने के मामले में चीन दूसरे नंबर पर है। यहाँ नए साल के दिन पहले दिन 44,000 बच्चे पैदा हुए, जबकि नाइजीरिया में 25,000 बच्चे पैदा हुए, जो सबसे ज़्यादा बच्चे पैदा करने वाला देशों में तीसरे नंबर पर है। इसके अलावा पाकिस्तान में भी इस दिन 15,000 बच्चे पैदा हुए। यूनिसेफ के मुताबिक 1 जनवरी 2019 को दुनिया भर में सबसे ज़्यादा बच्चा पैदा करने वाला भारत देश है। यह दुनिया भर में पैदा हुए बच्चों का करीब 18% हिस्सा है। इसके अलावा इंडोनेशिया में 13,000, अमेरिका में 11,000 और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कांगो में 10,000 बच्चे और बांग्लादेश में 8,000 बच्चों के जन्म होने का अनुमान है। सैड न्यूज़ की रिपोर्ट।